सोशल नेटवर्क्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2008 का पार्ट टू। 100 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर में 2008 के, उसमें से 50 क्वेश्चन जो हैं हम कर चुके हैं। आज हम 51 टू 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं और हम पूरे 2008 टू 2017 जितने भी पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे हम जो हैं वो इस चैनल पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि इनमें से किस भारतीय को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर जो है वो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक भारतीय हैं और इनको 1998 में जो है ये पुरस्कार मिला था। और इनका जो बर्थ है, इनका जो जन्म है वो 1933 में हुआ था कलकत्ता में, और उनको जो पुरस्कार है वो 1998 में मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो और मरो का जो नारा है वो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8 अगस्त को बम्बई में हुई थी, वहाँ पे एक ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तीन भिन्न चौराहों का तीन यातायात बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 100 सेकेंड में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः 8 बजे एक साथ बदले जाते हैं तो फिर से इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 48, 72 और 100 का क्या लेना है, एलसीएम लोगे। तो जब आप 48, 72 और 100 का एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम जो आ जाएगा वो 3600 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3600 सेकेंड है, सेकेंड को आप आवर में कन्वर्ट कर दोगे यानी एक घंटा। तो 8 बजे एक साथ मिलती है, तो 8 के बाद कब मिलेंगे, 9 बजे, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन से करना है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम जो है वो 3600 आ जाएगा और 3600 सेकेंड है, उसको आवर में चेंज कर दोगे यानी 1 आवर। तो 8 बजे एक साथ मिलती हैं तो एक घंटे बाद यानी 9 बजे, यानी ऑप्शन सेकेंड 9 बजे वो फिर से एक साथ जलेंगी एक रंग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। आदित्य ने कहा वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, बताइए कि आदित्य उस लड़की का रिश्ते में क्या लगता है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जो आदित्य की माता का पोता है, ठीक है, तो वो आदित्य का क्या होगा, या तो बेटा लगेगा, ठीक है, या क्या लग सकता है, भतीजा लग सकता है। तो इस तरीके से जो वो लड़की और आदित्य का जो रिलेशन होगा वो फादर इन लॉ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड एलसीएम इज 136, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको एलसीएफ दे रखा है, ठीक है, और आपको एलसीएम दे रखा है। आपको ये बताना है कि जिन दो नंबर का ये एलसीएफ और एलसीएम है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर जो इक्वल होता है किसके, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो यानी एलसीएम यानी 136 और एचसीएफ यानी 24 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा उस दो नंबरों का, ठीक है। यही होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में एचसीएफ इनटू में एलसीएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो।
और इसको किसने बनवाया था, इसको जो है अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत जिसका नाम है शेख सलीम, जिसके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था, क्योंकि अकबर का जो बेटा है, मतलब अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और जो सलीम जो शेख थे उन्होंने उन्हें कुछ बताया था जिससे कि उनको क्या हुई थी, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने इसी संत के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं है, ये आपको बतानी है। तो इसमें से जो भेल है वो जो है आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ONGC भी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है, NTPC भी जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जो है वो क्या है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, बाकी जो तीनों हैं वो सारी क्या हमारे नवरत्न और महारत्न कंपनीज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, असंचरणीय रोग का मतलब क्या, तो इनमें से देखो जो डायबिटीज़ है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। लूथल इज़ द हिस्टोरिकल साइट ऑफ, इसमें से किसकी जो है वो लूथल जो है हिस्टोरिकल साइट है, तो लूथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये जो है वो गुजरात में है, और जो लूथल है वो सिंधु घाटी के जो व्यापार थे, बिजनेस थे, उनको डेवलप करने में भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाउ विल यू राइट नंबर 36 यूजिंग ओनली डिजिट 3-4 टाइम्स, ठीक है। तो इनमें से ना कौन जो है आपको 33 देने वाला है, ये आपको बताना है। तो आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखो 34th ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 3 की क्यूब क्या हो जाएगी, 27 प्लस में 6 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। बाकी आपको इसी तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने पड़े, जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे फर्स्ट में तो 3 का स्केयर है, 3 की क्यूब है, तो 3 की क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास 27 आ जाएगा, देन उसके पास 3 का स्केयर है यानी प्लस का 9 आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे ये 33 नहीं बन रहा है, ठीक है। सिमिलर आप ऐसे चेक करोगे तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 की क्यूब यानी 27 प्लस में 3 प्लस में 3 यानी क्या हो जाएगा, 33। यही आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो 33 बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, जीके का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात यानी 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दिया तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का क्या नाम था। इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, और इन्होंने 1939 में जब कांग्रेस अधिवेशन में त्याग दिया था तो वो अधिवेशन जो था वो त्रिपुरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनि की गति इनमें से न्यूनतम होती है, तो साउंड की जो स्पीड है वो इनमें से सबसे कम किस में होती है, तो देखो साउंड की जो स्पीड होती है वो कैसे चलती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो इनमें से किसके किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है 35
356 में, और जब राष्ट्रपति शासन लेते हैं तो विधानमंडल की जो सारी शक्तियाँ होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ, तो डी का ए से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि ए के पुत्र बी, ए का पुत्र हो गया बी, जिसका शादी जो है वो सी से हुई है, और सी की जो बहन है डी, उसकी जो शादी है वो बी के भाई ई से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए का जो रिलेशन है वो डी से कैसे है। तो ई जो है वो ए का क्या है, बेटा है, तो ये ए की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, यानी पुत्रवधू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, हु हैज वोन द बेस्ट बुकर प्राइज। तो उस टाइम जब 2008 का ये पेपर है, तो उस टाइम पे जो बुकर प्राइज था वो किसको मिल रखा है, इसमें से ये आपको बताना है। तो इसमें से जो बुकर प्राइज है वो मिला हुआ है सलाम रुशीद को 1993 में, और इनका जो जन्म है वो 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था, और जब ये 69 ईयर्स की थी तो इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको, टाइम गिवन है, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 8% जो आपको दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 2/25। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसकी उतनी पावर कर दो जितना आपका टाइम था। ठीक है, तो 25 का स्केयर करेंगे तो 625 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 625 यहाँ पे प्रेजेंटली क्या है, हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे, हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/25। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इस पर 2/25 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 50 इंटरेस्ट। ठीक है, सिमिलर जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो इस पर 2/25 का मतलब हो जाएगा 50, और सेकेंड ईयर हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी इस 50 पे भी 2/25, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया 625, और हमें 2 साल में इंटरेस्ट मिला है 104। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शीट ऐड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 625 आपका प्रिंसिपल था, प्लस में 104 पे आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 729। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 729। ये 729 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 5,832 के इक्वल। एक यूनिट आप निकाल लोगे 5,832 डिवाइड बाय में 729, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब आपका प्रिंसिपल क्या है, 625, तो 625 यूनिट क्या हो जाएगी, 8 × 625, यानी 5,000 जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है। यानी ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे ही है, यस, क्वेश्चन नंबर 67 यहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिकल अलायंस जो है वो यहाँ पर एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी थी ये बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर, बहुत सारी नहीं मतलब कुछ 2-4 पार्टियों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है,
ये बहुत सारी पार्टियों का क्या था, एक गठबंधन था, ठीक है, अलायंस यानी गठबंधन था, ये पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया, तो इसमें से किसने, ब्रह्म समाज ने, ठीक है, ब्रह्म समाज ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था। और जो ब्रह्म समाज थी उसकी जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सती प्रथा कब ख़त्म हुई थी, तो 1829 में जो है वो सती प्रथा का अंत हो गया था। उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि बंगाल के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था ये प्रथा को रोक लगाई थी। तो यहाँ से हमने बहुत सारे पॉइंट करे कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और ये जो सती प्रथा था वो ख़त्म किस कब हुआ, 1829 में, उस टाइम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक। और जो सती प्रथा ख़त्म की थी तो कोई ना कोई एक्ट आया होगा, तो वो एक्ट कौन था, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट करते हैं 69। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बनाया हुआ है, तो इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको एरिया फाइंड करना है, सिंपल होता है, ठीक है। तो देखो 2 मीटर का जो पथ है वो चारों तरफ छोड़ा जाता है, ठीक है, चौड़ाई में और लंबाई में चारों तरफ ऐसे ये चीज़ छोड़ी जाती है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना होता है कि जो आपकी लंबाई है यानी 24 मीटर का लंबाई है, 24 प्लस में 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये प्लस में 4 कर दो, ठीक है। सिमिलर 16 प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप माइनस कर दोगे जो आपके क्षेत्रफल है, टोटल ये वाला जो एरिया वो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 24 × 16, ठीक है। तो ये आपका 28 × 20 और माइनस में आपके पास कितना आ जाएगा, 384। तो 28 को आप जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 × 56 यानी 560 माइनस में 384, तो 560 माइनस में 384, तो आपका आंसर आ जाएगा 176 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। शाम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद, तो शाम जो है वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, 7 किलोमीटर, ओके, वो राइट मुड़ जाता है, और राइट मुड़ने के बाद, ठीक है, तो राइट मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर ये गए यहाँ पे, और फिर से राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ओके, तो 7 किलोमीटर फिर से ये गए। तो अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि शाम अपनी यात्रा के प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वो उससे कितनी दूर है, भाई यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, यहाँ ये पहुँचा है, तो ये 3 है, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है, तो इनमें से जो कीट उत्पादक नहीं है वो कौन सा है, आपका सैफ्रन यानी केसर, ठीक है, बाकी सब जो है वो आपके कीट उत्पादक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी जो बर्नौलियम थ्योरम होती है, बर्नौलियम जो प्रिंसिपल है उससे जो है ये संबंध रखता है, बर्नौलियम प्रिंसिपल है ये, ठीक है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें से जो गिर है, ये जो है गिर नेशनल पार्क, ये शेर के लिए, लॉयन के लिए जो है वो फेमस है, ये जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। और इसका एरिया की बात करें तो ये 1412
स्क्वेयर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है वो 1965 में ये बना था, और ये जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि रेणुका जो है वो स्टार्ट करती है चलना अपने घर से, और वो नॉर्थ वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो ये वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर गई। ठीक है, और उसके बाद वो चलती है नॉर्थ की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूर है। तो ये इसका घर है। ठीक है, ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और किसी दिशा, किस दिशा, ओके हम इंग्लिश से कर लेते हैं, तो 4 किलोमीटर चलती है, तो आपको ये बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो ये है उसके घर का, तो 4 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो 3 5, तो यहाँ से जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और कौन सी दिशा है उसकी, यहाँ से अगर आप बात करोगे तो घर से बात कर रही है हमें। ठीक है, घर से वो किस डायरेक्शन में, तो घर से वो जो है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध को मिलाया। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मिल्क और वाटर, उसका पहले रेशियो था 7:3। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ मिल्क मिलाना है, दूध मिलाना है, कि जो अब रेशियो हो जाए वो 3:1 हो जाए। ठीक है, तो आप इस मिक्सचर में मिल्क मिला रहे हो, तो जो क्वांटिटी है वो सिर्फ मिल्क की चेंज होगी, वाटर सेम रहेगा। तो यही हम इसमें काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो वाटर को जब आप सेम बनाओगे, तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया रेशियो आएगा वो, ये तो 7:3 रहेगा, और ये आपके पास 9:3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कितना मिल्क मिलाया है, 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 10, और ये जो 10 यूनिट है वो आपको इक्वल दे रखी है, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। तो 10 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 100 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, दे रखा है ना कि 100 लीटर मिश्रण था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और यहाँ पे कितना मिल्क इंक्रीज हुआ है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर आ जाएगी 20 लीटर के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन है जीके में से। प्रतिनिधित्व के बिना कराधार नहीं का नारा किस क्रांति का था। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो नारा है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन जो है इनमें से किसका है। तो इसका सही आंसर है, ये जो है ये एक अमेरिकन क्रांति का है। ठीक है, और ये हुई थी 1776 में, जिसका नारा, जिसमें ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन से भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि रबी फसल इसमें से कौन सी है, तो इसका सही आंसर है गेहूं। नेक्स्ट है कर्ण फोन डैश में परिवर्तन
कर देता है, जो ईयरफोन है वो क्या उसके जो फंक्शन है कन्वर्ट करता है वो क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का मतलब इसमें से देखो ऑप्शन के हिसाब से, जब क्या होता है सामान्य कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या करना है आपको, कि भाई पहले एक सर्कल था, उस सर्कल का जो रेडियस है हमने इंक्रीज कर दिया है, तो इन दोनों के जो एरिया में, ये एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में जो पाई है वो कॉमन हो गया और वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम पाई नहीं लिख रहे, सिर्फ आर पे ही वर्क करेंगे, रेडियस पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पर दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हम सिर्फ किस पे वर्क करेंगे, आर पे करेंगे। 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यानी पहले रेडियस क्या था, 1 था, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपने रेडियस 100% इंक्रीज किया, यानी 1 से 1 ऐड कर दिया, यानी आपने इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 3 का, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3%, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर परसेंटेज में रखो कि लास्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट ना करना पड़े, तो 100/100 यानी पहले 100 थी, ठीक है, उसमें 100 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कितनी होगी, 200 होगी, ठीक है, और 200 स्केयर कर देंगे तो फिर आप उसको स्केयर करोगे तो वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 300%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12वें तथा बाएं से 4थे स्थान पर हैं, उस कतार में कितने और लड़कों को शामिल करें कि कुल 28 लड़के कतार में हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कि जो उसकी राइट की पोजीशन है, राइट पोजीशन प्लस में लेफ्ट पोजीशन माइनस में 1 कर दो, यानी 12 प्लस में 4 माइनस 1 यानी 50, माइनस 1 यानी 15, ठीक है। और जो 15 आया है वो आप किस में ऐड कर दोगे, 15 आप ऐड करोगे तो यहाँ 15 आ गया, 15 को आप माइनस कर दोगे जो कुल कतार है, ठीक है, यानी 28 माइनस में 15 कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप चौड़ाई को एज्यूम कर लोगे कि वो कितनी है, एक्स है, और लेंथ को आप 3x कर लोगे, ठीक है। अब आपको क्या देखा, पैरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का यानी आयत की जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस में b, ठीक है, और ये बराबर दे रखा है आपको 80 की, तो 2l यहाँ पर कितना है आपके पास, 3x प्लस में x इक्वल टू में 80, यानी आपके पास जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास लेंथ आपसे पूछी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 30, अगर आपसे यहाँ पे ब्रेथ पूछी होती, चौड़ाई पूछी होती, तो चौड़ाई कितनी हो जाती, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, तो इनमें से काला धन का अर्थ क्या है, काला धन का अर्थ आपको बताना है। तो काला धन क्या होता है, कि जिस पे हम टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया होता है उसको क्या बोलते हैं, काला धन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, गेहूं के लिए। जो हरित क्रांति थी वो 1960 में शुरू हुई थी पंजाब के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत के एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्यों कि, आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला के, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज इज ब्लेंडेड विद प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, जर्मनी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनमें से जो सेल्स टैक्स है वो कैसा है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष टैक्स है? सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग, जिसका इस टाइम नाम जो है वो नीति आयोग के नाम से है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स का क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको 159, 159 इंटू में 22 इंटू 453 इंटू में 33 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके में आपको क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट जो है उनको क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 8 को 3 से करोगे 8 3 जाओ 24, 4 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ओके। तो यहाँ पे आपको सही आंसर होना चाहिए था 2। जस्ट अ सेकेंड, इसका राइट आंसर 2 ही है, ये मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग जो है आपको ज्ञात करना है, वो भी ईयर्स में। तो देखिए आप इसको कैसे करोगे, फर्स्ट लाइन से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, यानी ए जो है वो इक्वल टू है बी प्लस में 7। यहाँ से हमने ए माइनस में बी जो है वो इक्वल टू 7 निकाल लिया। आफ्टर 4 ईयर क्या होता है, 4 साल के बाद क्या होता है, बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 4 साल बाद क्या होगा, दोनों 4 4 साल बढ़ गए भाई, ठीक है, और आधी होगी, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, तो ये 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उनका सम कर देंगे, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। अब आपके पास सिर्फ यही काम है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए आपके पास 10 और बी जो है आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जेनेटिक कोड के लिए, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। 1968 में जो है वो उनको ये पुरस्कार मिला था, उनका जो जन्म था वो 1922 में पंजाब में हुआ था, और इनको भारत के द्वारा पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है, उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, यदि वह उस बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंचता है, तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रारंभ करता है निकलना, ठीक है। ये तो सिंपली आप कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8:35 नहीं होगा, ठीक है, 40 पे बिल्कुल भी नहीं होगा,
और 8 30 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करेक्ट आंसर जो होगा वो 8:15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस, इसमें से कौन सा वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते थे, तो इसका सही आंसर क्या है, शहनाई। इनका जन्म जो था वो 1916 में हुआ था बिहार में, और इनकी जो मृत्यु है वो 2006 में हुई थी, और 2001 में भारत के सर्वोच्चतम सम्मान भारत रत्न से इनको क्या किया था, सम्मानित किया गया था, और ये प्राइज पाने वाले तीसरे संगीतकार थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 97, किस यूरोपियन सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने, कि सबसे पहले जो भारत में आए थे वो कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे, और वास्को डिगामा द्वारा खोज की गई थी 1498 में, और ये यहाँ केरल में काली कट पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है 2008 के पेपर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी भारत कोश के क्रम से व्यवस्थित कीजिए, और कौन सा जो है वो तीसरे पद पर आएगा, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इन तीनों में जो डी ई है वो कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर एफ है, तो सबसे पहले जो वर्ड आना एफ है और फिर एल है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा, ठीक है। उसके बाद तीनों में एल है, एल के बाद ई है आई है, तो उसके बाद ये आएगा, ठीक है, यानी फोर्थ। उसके बाद आएगा सेकंड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम 2008 के 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 to 50 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, और 50 1 to 100 जो है वो हमने इस वीडियो में किया है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका सही आंसर जो है वो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।